नमस्कार साथियों, कल की क्लास पार्ट 8 में हमने आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में संश्लेषण विधि और विश्लेषण की विधि के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो देखते हैं विश्लेषण विधि क्या है और संश्लेषण विधि क्या है। एक बात समझ लीजिए, आपको आगमन विधि और निगमन विधि पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि आगमन विधि के जस्ट अपोजिट होते हैं निगमन विधि। इसी प्रकार से संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के जस्ट अपोजिट होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट विधि हैं। जो नियम विश्लेषण विधि में होंगे उसके जस्ट उल्टे नियम संश्लेषण विधि में होंगे। इतना समझ लीजिए, इतना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली हो गया अगर तो फिर यह विधि जल्दी समझ में आ जाएगी। आगमन विधि में हमने बताया था कि पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं। निगमन विधि में हमने आपको बताया था कि पहले नियम देते हैं फिर उदाहरण बताते हैं, उसके सूत्र बताए थे, उसके लाभ और दोष बताए थे। विश्लेषण विधि में इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। विश्लेषण विधि का मतलब होता है कि किसी वस्तु का विस्तार रूप से वर्णन करना, जैसे हम व्याख्या विधि भी कह सकते हैं। यह एक तर्क प्रधान विधि है। व्याख्या विधि में क्या होता है, तर्क नहीं होते हैं, लेकिन यह तर्क प्रधान विधि है। और आप जानते हैं कि गणित की प्रगति तार्किक है। कैसी है? तार्किक। इसीलिए विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का सर्वाधिक प्रयोग गणित विषय में किया जाता है, ये भी याद रखिए। यह तर्क प्रधान विधि है। इस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में व्यक्त किया जाता है, यदि कहें तो टुकड़ों टुकड़ों में किसी समस्या को हल किया जाता है। इस विधि का सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि इसका प्रयोग समस्या समाधान किया जाता है। यदि गणित समस्या समाधान का छात्र है, कोई छात्र जिसकी गणित में समस्या है, तो उसकी हम अज्ञात वस्तुओं को से ज्ञात की वस्तुओं की ओर जाते हैं। इस विधि के चरण सोपान देखिए मैंने आगमन विधि के भी चरण व सोपान बताए थे और निगमन विधि के भी। इनके चरण और सोपान से विकल्प बनते हैं और विकल्प बनते हैं क्रम के अनुसार कि इसका क्रम क्या है। तो इसके लिए आपको क्रम से याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला होता है समस्या की प्रस्तुति, तीन चरण है इसके। दूसरा है समस्या की अनुभूति और समस्या का विश्लेषण, यानी कि गणित विषय में किसी को समस्या है, किसी बालक को, तो पहले हम उसकी प्रस्तुति करेंगे कि समस्या है क्या, फिर उसकी अनुभूति करेंगे कि आखिर ये समस्या है क्यों, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि अगर ये समस्या है तो क्यों है और इसका समाधान क्यों है, क्या है। तो पहले प्रस्तुति, फिर अनुभूति और फिर विश्लेषण। अब बात करेंगे इस विधि के लाभ और दोष। इस विधि का लाभ यह है कि एक तो तार्किक और वैज्ञानिक विधि है। ये छात्र में कल्पना, तर्क, चिंतन आदि का विकास करती है, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और इससे ज्ञान स्थायी बनता है। अब छात्र को जिज्ञासा की तर्क, विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, ये इस विधि का दोष है। रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, विश्लेषण विधि के द्वारा रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वैज्ञानिक दृष्टि का यह अभाव रहता है। अब देखते हैं इस विधि के उपयोग, इस विधि का उपयोग किया कहाँ जाता है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। तो कहाँ उपयोग किया जाता है, जब किसी साध, साध का मतलब थ्योरम यानी कि थ्योरी को हल करना हो, तब जब रेखा गणित में कोई रचना करनी हो, तब जब अंक गणित में किसी नवीन समस्या को हल करना हो, तब जैसे रेखा गणित में हम त्रिभुजों की रचना करते हैं कि एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, उसमें 30 अंश का कोण बनाया गया तो उससे संबंधित त्रिभुज बनाइए, तो ऐसी रचनाएं जो हम करते हैं उसमें विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। आगे है संश्लेषण विधि, और संश्लेषण विधि को कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधि। तो प्रश्न बनता है कि संश्लेषण विधि का दूसरा नाम क्या है या मनोवैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको संश्लेषण मिलेगा तो वहाँ टिक लगा दीजिएगा। अब इस विधि के बारे में चर्चा करते हैं, जस्ट उल्टा है। यह विधि विश्लेषण के बिल्कुल विपरीत है। संश्लेषण होता है शॉर्ट में, विश्लेषण होता है विस्तार में, एक्सप्लेन के साथ, क्लासिफिकेशन के साथ। इसमें छोटे छोटे खंडों को जोड़ा जाता है। इसमें उस वाली विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं और इस विधि में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके चरण की। इसके तीन चरण हैं, चरण को सोपान कहते हैं। समस्या के आधार का ज्ञान करना, समस्या का ज्ञान करना और समस्या का हल प्रस्तुत करना। सबसे पहले कि इस समस्या जो है उसका आधार क्या है, क्यों है ये समस्या,
फिर उसका ज्ञान करना कि ये समस्या है तो कहाँ से आई, और समस्या का हल प्रस्तुत करना कि इस समस्या का हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इसकी चरण है। इस विधि के लाभ, सबसे पहले तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें समय एवं शक्ति की बचत होती है और यह कमजोर छात्रों के लिए लाभान्वित विधि है। तो यहीं से प्रश्न अक्सर बनता है कि कमजोर छात्रों के लिए सबसे लाभान्वित विधि गलत विषय में कौन सी है, तो उत्तर होगा संश्लेषण विधि। यह व्यवस्थित विधि है, ठीक है। इसकी दोष क्या है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इस विधि के द्वारा नवीन ज्ञान की खोज नहीं हो पाती है। एक नोट पॉइंट है, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियाँ एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी शिक्षण की दृष्टि से एक दूसरे की पूरक हैं। प्रश्न यहीं से बन जाता है कि कौन सी विधि परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे की पूरक हैं, तो उत्तर होगा आपका संश्लेषण और विश्लेषण विधि। क्लियर। अब देखते हैं विश्लेषण विधि में ज्ञात खोजों को संश्लेषण विधि द्वारा उपयोग करना चाहिए। किसी समस्या की खोज में दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। जब समस्या होती है तो समस्या समाधान विधि में इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। समस्या समाधान विधि पहले की वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आगे भी इसके बारे में और डिस्कस करूँगा विस्तार से, और अभी तक मैं आपको आज पार्ट पढ़ा चुका हूँ, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही एक्सप्लेन के साथ और शॉर्ट में 10-10 मिनट की वीडियो है, कोई लंबा वीडियो नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल में आए हुए हैं वही डिस्कस किए गए हैं। तो बहुत ही 75 नंबर की आपकी इसमें पैजागो की आदि है, तो 15 नंबर पक्के करने के लिए आपको मेरे 20 वीडियो देखना ही पड़ेंगे, और ये 9वां वीडियो है, 20 वीडियो में पूरी पैजागो की ख़त्म हो जाएगी। तो 20 वीडियो और 15 नंबर पक्के गारंटी के साथ। इसीलिए इस विश्लेषण संश्लेषण विधियों का प्रयोग गणित विषय में अधिकतर किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है कि गणित की शिक्षण विधियों में किस विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो उत्तर होगा विश्लेषण और संश्लेषण विधियों का। आगमन विधि का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, उदाहरण देके पढ़ाया जाता है, और निगमन विधि का प्रयोग ये प्राइमरी में किया ही नहीं जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। प्राइमरी में आप पढ़ रहे हैं, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्राइमरी के बच्चों को किस तरीके से सॉल्यूशन मिल सकता है, सरल से सरल खेल से खेल विधि में पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना, आपको इसका ध्यान देना है। विगत वर्षों के प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, समस्या क्या है और उस समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संख्या का प्रयोग किया जाएगा। समस्या ये है कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, ठीक है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। देखिए, ब्लूम के संज्ञानात्मक को हम मनोविज्ञान के वीडियो में डिस्कस करेंगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे, ये अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत है। तो अब जब छात्र को ये डिस्कस करना है कि 10 दिन में 1410 लीटर बेचा, तो एक दिन में उसने कितना बेच लिया, तो इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो उत्तर होगा विश्लेषण विधि। क्यों? क्योंकि वह विश्लेषण कर रहा है, वह सोच रहा है विस्तार से कि जब 10 दिन में इतना बेच लिया तो एक दिन में कितना बेचा होगा, तो यहाँ विश्लेषण विधि का प्रयोग हो गया। अब गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल करना में शामिल है, क्या शामिल है, व्यापक अभ्यास या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम या अनुमान लगाना, तो उत्तर होगा क्रियाकलाप आधारित उपागम। देखिए दोस्तों, विकल्प जो दिए जाते हैं पैजागोगी में, चारों विकल्प लगभग सही होते हैं, इतना ध्यान रखिए, लेकिन हमें करना क्या होता है, हमको करना ये होता है कि उस चारों में से जो सबसे बेस्ट उत्तर हो उसमें टिक लगाना होता है, और सबसे पॉजिटिव आंसर हो उसमें टिक लगाना होता है। तो इतना ध्यान दीजिए, पैडागोगी में पॉजिटिव और बेस्ट आपने पहचान करना सीख लिया तो पैडागोगी आपको आने लगी। क्रियाकलाप आधारित उपागम हुआ। तीसरा प्रश्न है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्नों के लिए हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रचने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में परिवृत्त हों, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना।
तो दोस्तों हमने बताया था कि रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है, कक्षा में अभ्यास कराना है, घर के लिए होमवर्क भी नहीं देना है। तो विद्यार्थियों सूट रटने के लिए कहना यह नहीं करना चाहिए। अब है कक्षा चार में क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय कराने के लिए। क्षेत्रफल पढ़ाना है, लंबाई चौड़ाई पढ़ाना है, तो शिक्षक कहाँ से प्रारंभ कर सकता है? पत्ती, पत्ती पत्ती होती है जो पेड़ों की पत्तियाँ, यहाँ पत्ती कर लीजिए आधाता। नोटबुक, केवल आदि वस्तुओं के तलों की तुलना द्वारा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणाकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा, किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना द्वारा, अलग अलग आकृतियों में क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों को स्पष्ट करके। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, किसी आकृति में आने वाले इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल की गणना करना, यानी कि हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है तो हमको बताना पड़ेगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, इकाई के बारे में उसकी बताना पड़ेगा, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पांचवा है गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा उपयुक्त है? गणितीय कौशलों का विकास हम किस विधि से सबसे उपयुक्त कर सकते हैं? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना और प्रतिक्रिया स्पष्ट करके अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकलनात्मक ज्ञान देकर या केवल एल्गोरियम ज्ञान देकर? तो उत्तर हो जाएगा संकल्पना और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट कर अधिक से अधिक अभ्यास कराना। अभ्यास कराने का मतलब ये है कि उसको घर के लिए होमवर्क नहीं देना, उसको संकल्पना बताना, उदाहरण बताना, क्रिया करनी है और स्पष्ट करके फिर उसको वहीं क्लास में अभ्यास कराना है। तो बी नंबर विकल्प हो जाएगा आपका सही। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? स्वयं सिद्ध विधि में युक्लिड विधि, गैर युक्लिड विधि, अनुवांशिक विधि, औपचारिक एवं स्वयं सिद्ध विधि। तो उत्तर हो जाएगा अनुवांशिक विधि। अनुवांशिक विधि जो है स्वयं सिद्ध विधि नहीं है। नियम से उदाहरण के और किस शिक्षण विधि में जाते हैं? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। और आगमन विधि में जाते हैं उदाहरण से नियम की ओर। संश्लेषण विधि में पहले विस्तार करते हैं, ठीक है, और संश्लेषण विधि में टुकड़ों में पढ़ाते हैं यानी कि शॉर्ट में, और विश्लेषण विधि में पढ़ाते हैं एक्सप्लेन के साथ, विस्तार के साथ। तो उत्तर हो जाएगा इसका निगमन विधि। विकासशील मूल्यों में सफलता मूलतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, शिक्षक पर या परिवार पर। तो विकासशील विकास कौन करता है? सरकार करती है। सरकार तो बिल्कुल ना करती है, सरकार तो अपना ही विकास करने में लगी रहती है। तो विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षक। शिक्षक ही एक ऐसा है जो समाज में विकास मूल्यों को विकसित करता है, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षक पर। अब कल एक सवाल मैंने आपको कल की वीडियो में दिया था, आपसे पूछा था, किसी ने भी उसका सही उत्तर नहीं दिया। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना? तो इसका उत्तर था बजट। बजट बनाना ये शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षक का कार्य योजना बनाना है, मार्गदर्शन करना है और शिक्षण करना है, शिक्षा देना है, लेकिन बजट बनाना तो सरकारों का काम है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं है। अब आज का प्रश्न है आपके लिए, आज का आपके लिए चैलेंज है। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है, उदाहरण के लिए 4 = 2+2 या 4 = 1+3, यानी 4 को इस तरीके से भी जोड़ सकती है 2+2 करके या 1+3 करके। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? परिणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों इसका वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, आपको गणित की अवस्थाएँ पढ़ाई थी। देखिए बाल विकास की अवस्थाएँ अलग होती हैं, बाल विकास की अवस्थाएँ जो होती हैं शैशव अवस्था वो अलग होती हैं, शैशव अवस्था किशोर अवस्था, लेकिन गणित की अवस्थाएँ अलग होती हैं। तो इसका वीडियो मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ पहले, यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और किसको याद है, जिन जिन लोगों ने देखा है, इसका उत्तर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं आगे बताऊँगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप देंगे तो फटाफट इस कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब, और किसका सही निकलता है, किसको याद है, यही हमको देखना है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में गणित की समस्या समाधान विधि और अनुसंधान विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? यदि आपको अच्छा लगा करें तो लाइक कर दिया करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में साथ में ये भी बता दिया करें कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, तब मैं आगे की वीडियो में और अच्छे से अच्छे सुधार कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको यदि मैं साथ दे रहा हूँ तो जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना दे सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको 12 बजे मिलेगी वीडियो इंग्लिश की और संस्कृत की। तो मिलते हैं 12 बजे। नमस्कार साथियों, जय हिंद।